शादी के 4 साल बाद एक युवक सात फेरे की कसमें भूल गया और वो पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है। मामला भागलपुर जिला के दरियापुर इलाके का है, जहां पर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने युवक पर शादी के 4 साल बाद पैसे की डिमांड और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में महिला थाना में लिखित शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता का कहना है कि 2015 में उनसे मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। 2020 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद वो दिल्ली चले गए। दोनों एक निजी फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके बाद लड़का वापस घर लौट और फिर उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं हो रहा। लड़का के परिवार वाले अब उनकी शादी दूसरी जगह कर रहे हैं। मामले को लेकर महिला थाना अध्यक्ष ने लड़के के परिवार वालों को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि थाना पर जाकर अपना पक्ष रखे, लेकिन लड़के के परिजन अभी तक थाने में अपना पक्ष नहीं रखा है। इधर लड़की न्याय के लिए दर दर भटक रही है। मामला ये है कि मेरे जो हस्बैंड है, 4 साल पहले हम लोग शादी किए थे। हम लोग शादी करके दिल्ली चले गए थे तो वहाँ पे हम दोनों अच्छे से कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे दोनों लोग मिलके। अचानक से लड़का और उसका घर वाला पैसा का डिमांड करने लगा, और अगर पैसा नहीं दोगी तो जान से मारने का धमकी भी देने लगा, और दूसरी जगह शादी भी तय कर दिया है उसका। बोला अगर तुम पैसा नहीं दोगी हमको 4-5 लाख रुपए, तो फिर हम कहीं और शादी कर लेंगे। ये कौन बोला? ये मेरे हस्बैंड भी बोले और मेरे ससुर जी भी बोले। हस्बैंड का क्या नाम है? देवाशीष मोहंती। कहाँ के रहने वाले? वो यहाँ के हैं, दरियापुर रजनपुर के। और उनके पिताजी का क्या नाम? ललन सिंह है उनका पापा का नाम। उनके पापा भी बोले कि तुमको कभी बचने नहीं देंगे, और उसकी मम्मी लोग भी बोले कि तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर मेरे घर पे आओगी तो तुमको जान से मार देंगे। इस मैटर में महिला थाना में आवेदन दिए थे, वहाँ पे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। महिला थाना गई थी? महिला थाना गई थी, 4-5 बार गए वहाँ पे, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमेशा बहाना बना के बोलती थी कि छानबीन कर रहे हैं, वापस कर देती थी, लेकिन कभी महिला थाना से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो उसके आगे आप वरीय अधीक्षक के पास, एसपी के पास, सिटी एसपी के पास कहीं गई थी क्या? नहीं, उसके अब तो गए नहीं है, क्योंकि वहाँ महिला थाना में समय लिया गया था कि हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। लड़का की तरफ से क्या बोला जा रहा? उसकी तरफ से कह रहा है कि तुम्हारे बस ये सब झूठ है, शादी वाली सब झूठ है, हम तुमको नहीं रखेंगे अपने घर पे। और लड़का को भी उसको मतलब कि वो हटवा दिया वहाँ घर से, और मेरे पे लालछन लगा रहा है ये सब कि तुम लड़का को हटवाई हो। कौन लालछन लगा रहा? उसके घर वाले, उसका पापा मम्मी पूरा फैमिली उसका। कितने साल तक आप उसके टच में रही? ऐसे तो हम लोग 9 साल से जानते हैं लड़के को, लेकिन शादी को 4 साल हो गए। तो प्रेग्नेंट में किया गया था? 2 बार था, एक बार तो वो करवाया और एक बार मिस हुआ है। अच्छा, तो अभी आप क्या सोच रही हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए, और क्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंसली कुमारी हुआ। भागलपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। समाज के ताने से तंग आकर चंपानगर वार्ड 3 के एक युवक जो पेशे से दर्जी है ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल नरगा इलाके की रहने वाले युवक की शादी 3 माह पूर्व 5 मई को चंपानगर के एक युवती से हुई थी। शादी के सप्ताह भर बाद दुल्हन ने अपनी मां को कॉल कर बताया कि उसका पति नपुंसक है। इसके बाद लड़की वालों ने लड़के वालों से बात कही, कहा डॉक्टरी इलाज करवाइए। इसके बाद लड़की को फिर समझा बुझाकर पति के पास ससुराल भेज दिया, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ गई। इसके बाद समाज की ओर से 7 जून व दूसरी बार 22 जून को पंचायती में लड़की की शिकायत पर दहेज के 80,000 रुपए वापस करने व लड़की को दिए जेवरात जमा करने का फरमान पंचायत ने सुना दिया। इस पर युवक ने 2 दिन का समय मांगा, कहा डॉक्टरी इलाज करवा कर बताएंगे कि हम नामर्द हैं या नहीं। पंचायत करने वाले व्यक्ति ने उसे समय दे दिया और वो दोबारा आया ही नहीं। इस बीच उसने शहर के चिकित्सक से जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा कि नामर्द नहीं है, उसमें कमजोरी है, दवा से ठीक हो जाएगा। जब वो रिपोर्ट लेकर आया तो लोगों के ताने से तंग आकर रिपोर्ट दिखाने लगा, लेकिन लोग उसे कहने लगे तुम झूठी रिपोर्ट लेकर घूम रहे हो। इसे लेकर पंचायत होनी थी, लेकिन लगातार पड़ रहे ताने से आकर उसने गुरुवार को घर में रखा कपड़ा धोने वाला वॉशिंग पाउडर व अन्य सामान मिलाकर पी लिया। जब उसे उल्टी होने लगी तो उसकी बहन ने शोर मचाया और आसपास के
लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पंचायत करने वाली टीम के सदस्य ने बताया कि हम लोग फैसला सुनाने वाले कौन होते हैं, वो तो लड़की ने शिकायत की तो हम लोगों का दायित्व है कि निदान करवाना, पत्नी की शिकायत से बड़ा प्रमाण क्या होगा। सालों से हम लोग समाज के लिए इस तरह की पंचायती करते आ रहे हैं। लड़की का भाई बेहद गरीब है, मजदूरी करके उसने बहन की शादी में 80,000 रुपए दहेज दिया था, शादी का खर्च अलग से किया था। जब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो दहेज का रुपया व जेवर वापस करने की मांग उसने की, इसमें गलत क्या है। वहीं पीड़ित युवक मोहम्मद मुसम्मिल ने बताया कि इसी साल 5 मई को हमारी शादी हुई, कुछ हफ्तों तक हम लोग अच्छे से रहे, लेकिन फिर अचानक पंचायत से शिकायत आती है कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम ना मर्द हो, तुम्हें उसका साथ छोड़ना होगा, साथ ही तुम्हें जेवरात और पैसे लाकर देने होंगे। पंचायत के लोग बिना मेडिकल रिपोर्ट के मुझे नामर्द साबित कर दिए, जिस वजह से समाज में मुझे ताने मिल रहे थे, जिस कारण से मैंने ऐसा किया। पंचायत में केवल 4 लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया है, जबकि पंचायत मेरी मर्जी से नहीं लगाई गई। मैं जहां भी जाता था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पंचायत के फैसले के बाद मारपीट की नौबत आ गई, फिर मैं मारपीट ना हो इस वजह से खुद को खत्म करने का फैसला लिया। वहीं युवक की बहन गुलबसा ने बताया कि मेरे भाई के साथ पंचायत में बहुत बड़ा खेल खेला गया, जिस वजह से उसने ऐसा किया, उसे पूरे मोहल्ले में नपुंसक साबित कर दिया गया, जिस वजह से सर में वो कहीं नहीं आता जाता था। पंचायत कहता था कि तुम जमीन बेचो चाहे जो भी करो, तुम्हें पैसे और जेवरात लौटाने होंगे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि मेरा भाई नपुंसक नहीं है। अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। 5 मई को मेरी शादी हुई है इसी साल में, और उसके बाद हम लोग 2 महीना पे भी हम 5 साल अच्छे से करते रहे, सब कुछ वहीं से करते रहे। उसके बाद एक मुर्गा पंचायत में आवेदन आता है लड़की के तरफ से, वो कहते हैं कि पंचायत वाले कि लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप ना मर्द है, आपके साथ कुछ नहीं होता। और पंचायत वाले ने आपको कहा कि तुमको घर से जेवर ला के देना होगा, लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। और दूसरी बात, जो पैसे जो लिए 80,000 जो दिया है जुर्माना, वो भी तुमको देना होगा, घर बेच के देना होगा, कैसे भी हो बेच के देना ही होगा आपको, घर बेच के देना पड़ेगा। और एक दिनों बिना सर्टिफिकेट के उनको पंचायत के लोग 4 लोग हैं, उसमें से एक सिकंदर है, सिंटू है, एक अफसर है, एक नन्हे हैं, इस लोगों ने बिना मेडिकल के जाँच की रिपोर्ट के बाद होने के पहले उनको नाम मर घोषित कर दिया गया है। अब बताइए, जब इन लोगों को कुछ मालूम पड़े कुछ लोगों को, तो हमारा साथ दिए, कुछ लोग मेरा साथ दिए, तो साथ देने की वजह ऐसा हुआ कि मारपीट पर नौबत होने लगा आपसी में। हम लोग नहीं चाहते कि आपस में कोई मारपीट करे, इस बात से हमको नाम मर देगा, हम जहाँ भी जाते लोग हमारा मजाक उड़ाते, इस मोमेंट में हम लोग छोटा आदमी आपको हम खत्म ही कर दिए। फिलहाल फिनाइल का वो सड़क का की जाएगी। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ। और एक बात और है, अब थोड़ी देर के बाद ये लड़की भी है, कल एक बार हमको बोला था कि आप है ना हमको ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए, और नहीं तो मेरे को मतलब उसे धमकी दिया, मतलब नहीं ज़मीन नाम नहीं कर सकते आप, अरे जो ज़मीन हमारा तो तुम्हारा ही होगा ना, बार अभी कैसे करते। इसके वजह से हमने तो मेरे को वो ना भर के कहा रहा, तो मेरे कल जांच में मेरा रिपोर्ट भी आ गया है, मेरे कल जांच में बात हुआ कि मैं मर्द हूँ। शादी कैसे हुई थी आपकी, कौन करवाया था, कौन कौन है परिवार? परिवार में मेरे है चचे लोग हैं, और पापा मम्मी नहीं, पापा मम्मी तो रिटायर हो गए, और हम लोग गरीब आदमी है, पैसे वाले देखे हम लोग तो धरा धमका के, ये सब घर से बोला कि जेवर भी लेकर धरा धमका के बोला, हमने हर बात को जब डिनाई किए तो हर बात पर हमको धमकाया गया, डराया गया, बाबू अगर ऐसा नहीं करोगे तुम भारी लफड़े में पड़ जाओगे, हट जाओगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुजम्मिल। कहाँ घर हुआ? नरगा, भागलपुर। कौन जिला? मेरा नाथ लगे, जिला भागलपुर, थाना नाथ लगे। क्या कुछ हुआ बताइए? मेरे भाई के साथ पंचायत में बहुत बड़ा खेल खेला गया, सुसाइड करने का ही अपना कर लीज मेरा भाई मुजम्मिल। भाई उसका नापुंसक का पूरा मोहल्ले में घिना दी, बेशरम से कहीं जाता आता नहीं है। हम भी ये पंचायत लोग किया, सिकंदर है, ये नन्नी है और रिंकू है। पत्नी क्या कुछ कह रही थी? हाँ पत्नी है ना, बोलती है नहीं रहेंगे ना, मर्द है, कैसे जाते हैं, क्या बोलती? बिना सबूत के और मेरे भाई का अब पूरा महल्ला में घिना दी से रिपोर्ट। क्या किया आपका भाई? मेरा भाई सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया। अभी कहाँ? अभी हम लोग मायागंज हॉस्पिटल में आए हुए हैं।
क्या हुआ था पंचायत में? पंचायत में यही मजाक उड़ता है इसका पूरा, हर लोग दम पूरा परेशान की बस शर्म से कहीं जाता नहीं, कुछ भी लाने भेजते तो जाता ही नहीं। क्या चाहती है पत्नी? पत्नी रहना नहीं चाहती है। हम लोग फैसला लिया ये पंचायत बोलता है तुम जमीन बेचो या जो भी बेचो तुमको जो चीज लिए देने पड़ेगा। क्या क्या ले? 80,000 रुपया उसका लिया गया है, जुर्माना भरा। हाँ वही मांग रहा, तुम जमीन बेचो ये हम लोग को लावारिस समझ के परेशान कर रहा है, न मेरे पास माँ है न मेरे पास बा है, ये भाई लोग उठा है हम लोग का साथ दे रहे हैं। अभी क्या अस्पताल है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया? मेडिकल रिपोर्ट में तो अच्छा सब कुछ आया मेरे भाई का, नामर्द नहीं मेरा भाई। अब क्या कीजिएगा? अरे हम गए तो हम ही को धमकावे लगा, जेवर लो तो ये लो तो वो लो। कौन कौन पंचायत में? रिंकू है, सिकंदर है, सिंटू है और नन्नी है। इसकी मर्जी से पंचायत ले लो, हम लोग के बिना पूछे के अच्छे ये पंचायती बैठाया गया है। नगर निगम में आप लोग आते हैं ना, भागलपुर में? चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बगीचा विवाद में हुए आम की देखभाल करने वाले बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रविवार को CTSP मिस्टर राज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को गिरफ्तारी की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान SP ने बताया कि पीरपैंती थाना क्षेत्र में बगीचा विवाद में गोविंद रविदास की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कांड में एक अभियुक्त पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 25,000 के इनाम घोषित किए थे। उन्होंने आगे बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरपैंती की निगरानी में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा आरोपी के ठिकानों पर दिल्ली पहुंचे, जहां से आरोपी सुभाष चंद्र को गिरफ्तार किया गया। सुभाष चंद्र का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। महत्वपूर्ण मामले से संबंधित है, जो कि पीरपैंती थाना कांड संख्या 146/21 जो कि हत्या से संबंधित मामला है। इसमें जो अपराधी है इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था पिछले साल दिसंबर में। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आसूचना संकलन किया जा रहा था टेक्निकल के आधार पर। इसी क्रम में DIU की टीम जिसमें इंस्पेक्टर धनंजय कुमार, SI सुशील राज, SI बबलू कुमार जो पीरपैंती थाना के हैं, कांस्टेबल बच्चन कुमार, अभिमन्यु कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, सभी DIU इन टीम एक टेक्निकल इनपुट के आधार पर इस अपराधी जो कि सुभाष चंद्र यादव है जो कई वर्षों से फरार था, इसको दिल्ली के आज़ाद मंडी से गिरफ्तार किया गया। 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है तथा ट्रांजिट रिमांड पे इसको भागलपुर लाया गया है और आज मंडी न्यायालय में इसको अग्रसारित किया जाएगा। जो ये अपराधी है इसका पूर्व में अपराधी का इतिहास रहा है,
जो कि पीरपैंती थाना कांड संख्या 222/19 जो कि हत्या के प्रयास से संबंधित है। घटना यह है कि इसमें बगीचा के विवाद को लेकर मृतक जय गोविंद दास की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व में भी दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुभाष चंद्र यादव कई वर्षों से फरार था, तो इसमें यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। इसके लिए इस पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में अचानक मौसम के बदले रुख से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन तेज आंधी बारिश ने किसानों को रुला दिया। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आंधी से केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में केले के पौधे बर्बाद हो गए। वहीं किसानों को इस बात की भी चिंता सता रही है कि साल भर रोटी का इंतजाम कैसे होगा। आंधी बारिश से किसानों के सामने आर्थिक संकट के बादल छा गए हैं। जयपुर चूहर पूरब पंचायत के वार्ड संख्या 7 के जितेंद्र कुमार साह ने बताया कि मेरी 2 एकड़ में लगी केले की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बैंक का कर्ज कैसे चुकता करेंगे? बैंक से कर्ज लेकर और गांव के लोगों से उधार लेकर खेती किए थे, लेकिन अब फसल पकने का समय हुआ तो आंधी उड़ा ले गई। ऐसे में कैसे बैंक का कर्ज चुकता होगा और घर परिवार कैसे चलेगा? इसी सोच में किसान का रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह से सैकड़ों किसानों का भी यही हाल है। सब किसान सरकार से कुछ मदद की आस लगाए बैठे हैं। इलाके में फसल की क्षति होने कारण किसानों के बीच त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। पिताजी का नाम? श्री राजेश्वर, स्वर्गीय राजेश्वर। क्या नुकसान हुआ आपका? केला। कितना हुआ है? 2 बीघा। 2 बीघा। कैसे लगाए हुए थे? लीज पे लगाए थे। खेती करने के लिए पैसा आप अपना खर्च किए थे या इंटरेस्ट पे कहीं से लिए थे? इंटरेस्ट पे लिए थे। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। पिताजी का नाम? विनय शाह। क्या नुकसान हुआ आपका? केला का फसल। कितना एकड़ में लगा हुआ था केला? 2 एकड़ में। यहाँ पे लगभग कितना केला का फसल नुकसान हुआ होगा? चार एकड़। तो आप कैसे खेती कर रहे थे? लीज पे कर रहे थे। पैसा अपना लगाए थे या इंटरेस्ट पे लिए थे? इंटरेस्ट पे लिए थे। जगदीशपुर प्रखंड के खीरी बांध पंचायत के सालेपुर गांव में पिछले कई महीनों से पानी की किल्लत से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। लगातार ग्रामीण जनप्रतिनिधि से मिलकर अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन यहां के ग्रामीणों की परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा। इस सूचना के बाद ग्रामीणों की परेशानी को देखने के लिए जब स्थानीय मुखिया अजय राय पहुंचे तो ग्रामीणों ने मुखिया का विरोध कर दिया। उसके बाद मुखिया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब ग्रामीण का जनप्रतिनिधि ही नहीं सुनता तो आखिर कौन सुनेगा और इस गांव के ग्रामीण को पानी कौन पिलाएगा? की समस्या और समस्या चाहिए कि हमरा इसका पानी टाइम से नहीं मिले। कितना दिनों से? 3-4 महीना से। भर जेट बैसाख गेले धूप पानी सब पानी नहीं मिले। जाओ नहीं मुखिया जी के ना बोले छो? मुखिया जी का बोले छो, मुखिया जी सुना रहा है ना करे छो दादी भाई पानी रह जाए छे घुरी के डिब्बा का चलो आवे छे कहना कहना बंद करी दे छे कहे कि टूटिए गेलो छे तो भांगिए गेलो छे धसने गिरी गेलो के बोले छो? बोले जे जसनी मां छे। कहां से लावे पानी? कहां से लावे? कहां से लावे? हाँ क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है कि पानी का निकास नहीं है, रोड बढ़िया नहीं बन रहा, लारी बढ़िया नहीं बन रहा, पानी के लिए हम लोग मर रहे हैं। पानी पीने के लिए पानी नहीं आया यहाँ? पानी नहीं आया। कितने साल से पानी नहीं आया? पानी के लिए 5-7-6-10 साल पानी नहीं है। कहा नलका जो लगा हुआ है वहाँ पानी मिल भी नहीं करता। बेसमय पानी खोलता है। पानी कैसे लेते आप लोग? पानी भाई 7 बजे रात को मिलता पानी, 7:30 बजे रात में जाते हैं पानी पीने। क्या नाम है आपका? आज हम सुबह से ही अपने पंचायत खीरी बांध में सभी वार्ड घूमे। आज हम अभी भैरवपुर 3 नंबर वार्ड में हैं, जो कि सब ग्रामीण देख ही रहे हैं। विकास तो जो सरकार हम लोग को दिया, रोड नाला हर जगह बन ही रहा है। जो थोड़ा सा टूटी पाया है पानी में, उसमें भी हम लोग आए हुए हैं। हमारे जो जिला परिषद है शिव कुमार जी, वो भी अभी बोले कि यहाँ पे हम एक प्याऊ पानी खोला दिया जाएगा। इसलिए हमारे पंचायत करीबन पंचायत में सब खुशहाल से है, और आप जान ही रहे कि इस बार हम लोग को सरकार जो है पैसा में कटौती किया है। हम लोग को जो फंड मिलना चाहिए वो फंड मिला नहीं है, जो कि हमारे जो जितने भी बिहार में मुखियागण हैं, जो कि लाइट के बारे में जो हम लोग 16 लाइट के बारे में भी बात किए थे 16 लाइट के बारे में, तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो ये सब जो है ऊपर से ही मंत्री जी महोदय वहाँ से करते हैं। हम लोग को सिर्फ रहता है
कि पोल गिनिए, अब पोल पे लाइट लगवाइए, सिर्फ इतना काम ही मुखिया को हम लोग को सरकार दिया गया। इस बार पानी से निजात मिल जाएगा इन लोग को? इस पानी से निजात तो है ही है, हमारे सब वार्ड में 7 निश्चय से जल से चलिए रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो है बोरिंग का खराबी होता है और वहाँ थोड़ा ठेकेदार प्रॉब्लम करता है, ठेकेदार समय पर पहुँचता नहीं है, इसलिए अभी तो हम फोन भी किए थे PSD में, और हम जो अभी मेला मैदान में बोरिंग भी है वहाँ से पानी लेने के लिए मना कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय से अभी मिलकर हम पानी जो इनको क्लियर करवाएंगे। मानंदी संस्था के बैनर तले भागलपुर के एक निजी होटल में महिला उद्यमिता सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव एवं संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर संस्था के सदस्य एवं सावन मेले में आए महिलाओं ने एक से बढ़कर एक गानों पर नृत्य की प्रस्तुति की। आयोजिका प्रिया सोनी ने कहा कि हमारी संस्था का किसी भी तरह का यदि आयोजन होता है सबसे पहले महिलाओं को उद्यमी बनाते हैं। अभी तक हमारी संस्था की तरफ से लगभग 200 महिलाओं को अपना रोजगार दे चुके हैं, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। आयोजन किया गया हमारी संस्था की एक परंपरा रही है कि जब भी हमारी संस्था का कोई ओकेजन होता है या किसी भी तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें हम लोग महिलाओं को उद्यमी बनाते हैं, क्योंकि महिला उद्यमिता बहुत ही जरूरी है। आर्थिक, मैं हमेशा बोलती हूँ, आर्थिक स्वतंत्रता जो होती है महिला सशक्तिकरण की जो है वो पूंजी होती है। और भागलपुर के महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में इन दिनों आपस में साधु संतों में मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है। साधु मणि मंडल के साथ पिछले दिनों कुप्पा घाट में रह रहे साधु रमेश और अरविंद ने मारपीट की, जिसके बाद मणि मंडल आवेदन देने के लिए बरारी थाना गए, लेकिन थाना के द्वारा किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होता देख SSP कार्यालय में आवेदन देने आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि हम पिछले कई वर्षों से कुप्पा घाट में रह रहे थे, लेकिन अचानक से इन दोनों ने मारपीट किया, अब रहने में भी डर लगता है। रमेश यादव जो है और अरविंद यादव तो ड्राइवर भी छे और रमेश जी आचार्य के सेवक छे, ड्राइवर भी छे, वह समाधि पर 40 साल से जी हम सेवा कर रहे थे, वही बैठक लिए मगर बाद में 300 लोग को आप अलग करते हैं, वो अपना आदमी का झूठे बदनाम करेंगे लेके अब रूपा भी आते हैं, उसके बाद हम उसको बोले कि हम आपका रूपा भजाए हैं रमेश जी, तो बस उसी पर रमेश जो है इस करके वो बुरा का लाठी था छुड़खाना शुरू कर दिया, मार पे किया। थाना गए थे? थाना गए थे। क्या किया? आवेदन दे दिए? एप्लीकेशन भी दिए। आज SP साहब मिलने आए हैं? आप SP साहब से मिलने के लिए आए हैं, वो कहता है कि पुलिस चुलिस क्या करेगा, वो तो हमारा अपनी अंजाम। कौन बोला? रमेश और अरविंद। SP साहब क्या बोले? SP साहब बोले कि जाइए